हेलो जिंदाल साहब। हाँ बोलो इंदर। पता चल गया, ये उलझन हम सबकी थी ना कि आखिर गुड्डी के हाथ ऐसा क्या लग गया कि वो आकाश के कातिलों के बारे में जान गई। कौन सी ऐसी चीज थी? दरअसल उसके हाथ आकाश का वो पेन कैप लग गया था, तभी तो वो देवा को फोन करके बता रही थी। बेचारी भाई तो मरा मरा, भाई के चक्कर में बहना भी मारी गई। और मरते मरते आकाश की मौत का आखिरी सबूत भी हमारे हाथ दे गई। अब आकाश और गुड्डी की मौत पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बन के रह जाएगी। और जिंदाल साहब, जिस दिन से मैंने मेरे भाई फिलास की लाश को देखा है, मेरे अंदर जो आग लगी है आज जाके बुझवाई है। और वो हेलो तेरा ये नया चेहरा कितना घिनौना लग रहा है इंदर। देवा मुझे हाथ पर लगाना, तुझे बाबूजी की कसम, तुझे अम्मा की कसम, देख तेरा जीजा हूं मैं। ये ले, ये क्या? ये मिंडी। अच्छा है जिंदाल साहब को अब कुछ तो समझ में आया होगा। ए भाई, फोन लगा जिंदाल साहब को? जी हाँ, लग गया हुजूर। हेलो जी साहब। हाँ साहब से बात कराओ। साहब बंगले पर नहीं है। बंगले पर नहीं है जी? तो किधर गए? पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? मालूम नहीं, कल इंदर साहब से बात हुई थी तब से उधर ही है। जिंदाल साहब भी बस वापस इंदर सक्सेना की घुसकर बैठे हुए होंगे, उनका तो दिमाग खराब हो गया है। ए गिलास दे। काप क्यों रहा है खान? मौत का खेल तो शौक है ना तेरा? देवा मैं, तूने तो इस शहर में लोगों को खुले आम मारा है, तो तेरी मौत इस बंद कमरे में कैसे हो सकती है? डर लग रहा है तो दौड़, अगर दौड़ तुझे तेरी मौत से दूर ले जा सकती है तो दौड़ 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 खान, दौड़ दौड़। अरे
मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा भाई बशारत खान, ये देवा मुझे मार डालेगा, ये देवा मेरी जान ले लेगा, अरे बचाओ। बशारत खान, बशारत खान, तू वही बशारत खान है ना जिसने मुझ जैसी अंधी औरतों और लाचार बच्चों के हाथ जहर से रख दिए? जाने कितनी मौतों का सहरा बंधा है तेरे सर। अरे इन्हीं लोगों के घरों को बर्बाद करके आज खुद को इनका भाई बता रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं, इसे पनाह मत दो, मत दो इसे पनाह। ये एक अपराधी है, अपराधी, और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ऐसे शैतान को जिंदगी से निजात दिला देनी चाहिए, और खुदा भी यही चाहता है। देवा, ये भी तेरी अदालत है, इंसाफ कर देवा।